हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। दोस्तों, आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी, वीडियोस देखे होंगे कि लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहा जाए, हर एक सिचुएशन में कैसे हैप्पी रहा जाए, जो डिज़ायर्स हैं हमारी कैसे उसे मैनिफेस्ट किया जाए, कि ऐसे कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें जिससे हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकें अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस के नाम पे हमारे दिमाग में यही भरा गया है कि यूनिवर्स का तो काम ही है डिज़ायर्स को फुलफिल करना, यूनिवर्स का काम है सिर्फ हमें देना जो हम मांगे। पूरे इंटरनेट पर एक ही लॉ पॉपुलर है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर लोगों को ये नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंक्लूड करके और भी दूसरे 11 लॉज होते हैं यूनिवर्स के। हर एक व्यक्ति की कोई डिज़ायर, कोई एक सिंगल डिज़ायर तभी मैनिफेस्ट होती है जब ये 12 लॉज, जो सिद्धांत होते हैं, वो इक्वली वर्क करते हैं उसकी लाइफ में। साथ में कोई भी मैनिफेस्टेशन तभी रियलिटी में चेंज होता है जब मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो कि डिज़ायर आखिर है किस तरीके की। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस अर्थ पे सिंगल सोल, हर एक सिंगल सोल चैलेंजेस फेस कर रही है, तो उसे अपनी डेप्थ में जाना होता है, बहुत सारे लेसन्स लर्न करने होते हैं। साथ में ये जर्नी होती ही इसलिए है, उसे इवॉल्व होना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन 12 लॉज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी डिज़ायर्स जब रियलिटी में चेंज होती हैं तो उन डिज़ायर्स को कितनी प्रक्रियाओं से, कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, आपको कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो सबसे पहला लॉ, डिवाइन वननेस। इस लॉ के हिसाब से हम सब सोल इस अर्थ पे, इंसान, पशु पक्षी, पौधे, नदियां, पहाड़, पूरी प्रकृति, हम सब एक हैं। यानी व्यक्ति में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, उस वो दूसरों को खुद से अलग महसूस नहीं करता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो भी है, प्रकृति है, जो कुछ भी है, हम सब एक ही हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कि जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, प्रकृति को नष्ट नहीं करते हैं, तो वो इसी लॉ के कारण, इसी सिद्धांत के कारण, क्योंकि वो पशुओं और प्रकृति को खुद से अलग नहीं समझता है। उनको पता है कि पशुओं में जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान बसती है, इनका भी अस्तित्व है, ये भी हमारी तरह ही जीते हैं या हमारी तरह ही दुख महसूस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान, जानवर, पेड़, इन सब का आउटर अपीयरेंस जो होता है, जो बॉडी होती है, वो अलग होती है। बाकी जहाँ तक बात है इनर अपीयरेंस की, तो सब आत्मा है, एक डिवाइन लाइट फॉर्म में है, और हम सभी जो भी हैं एक लूप में जी रहे हैं, अपनी कार्मिक साइकल्स से होके निकल रहे हैं, कर्मा अपना भोग रहे हैं, और सबका गोल एक ही है, मोक्ष, फ्री होना इस साइकिल से। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसे आप लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। इसका मतलब किसी भी एक्शन का रीजन होता है, कारण होता है, हम रिएक्ट करते हैं हर वक्त किसी के थॉट पर, अपने ही थॉट पर, फीलिंग्स पर, पैटर्न के बेसिस पर, हर एक मिनट हम रिएक्ट करते हैं, फिर उसी एक रिएक्शन से क्रिएट होता है हमारा कर्मा। अभी जो भी घटित हो रहा है इस दुनिया में, वो हमारे ही एक्शन रिएक्शंस के कारण है। आप जो बोते हो वही पाते हो, हमारे अभी के थॉट, बिहेवियर, इन सब का अफेक्ट शायद अभी ना मिले, पर कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद, सालों बाद, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। जैसा हमने रिएक्ट किया है, जैसा बोला है, या जैसा भी सोचा है किसी के लिए भी या कुछ भी, वो आगे चल के
दिनों में, महीनों में, सालों में जरूर मैनिफेस्ट होता है, घटित होता है। इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ कर्मा। इसके बाद तीसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दुनिया में हर चीज़ या मनुष्य की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जाता है, पर उन वाइब्रेशंस को सेंस किया जाता है। जैसे कि आप अगर लव, अच्छी हेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सब आप फियर की एनर्जी में रहकर तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। इन सबको मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करने के लिए लव और हेल्थ तभी मिल सकता है जब आपके थॉट्स उस एनर्जी लेवल के होंगे। अगर आप लव की एनर्जी पे हैं, तब वो अच्छा रिलेशन तभी मैनिफेस्ट हो सकता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी वर्क करता है जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम के अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं। आपकी वाइब्रेशन अगर आपको जो लाइफ में चाहिए, जो कुछ भी अच्छा आप चाहते हैं, और अगर आपकी एनर्जी उसके ऑपोजिट है, यानी आप हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें चाहते हैं और आप खुद रह रहे हैं लो वाइब्रेशन की एनर्जी में, फियर में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, गिल्ट या शेम में रहते हैं, तो वो चीज़ें जैसे लव, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप्स, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो कभी सच नहीं होंगे। इसके बाद है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इस सिद्धांत के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, जो आउटर वर्ल्ड होता है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है इनर वर्ल्ड का। जैसे आप भीतर से होंगे, जो भी महसूस करते हैं, बाहर दुनिया भी वैसी ही आपको दिखेगी। आप जिस तरह की मित्रता या रिश्ते में होते हैं, वो रिफ्लेक्शन है कि आपके भीतर की स्थिति का, कि आप भीतर से कैसे हैं। जैसे लोग, जिस तरह के लोग, अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो लोअर एनर्जीज में हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है कि आप भी भीतर से लोअर एनर्जीज में ही हैं। वो आपके भीतर की ही स्थिति है। अंदर की स्थिति जैसी होगी, बाहर व्यक्ति बाहर चुनाव भी उसी अनुसार करता है। आप अगर लोअर एनर्जीज में रहेंगे तो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो लोअर एनर्जीज में हैं। यूनिवर्स का फिफ्थ लॉ है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जीज का एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर एक वस्तु की, व्यक्ति की, हर एक पार्टिकल की, यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एनर्जीज महसूस नहीं की जा सकती है। जब तक व्यक्ति लोअर एनर्जीज में रहता है, या उसको पता ही नहीं है कि एनर्जीज होती क्या है, वो दूसरों की एनर्जीज को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। ये एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, जिन्होंने काफ़ी इनर वर्क कर रखा होता है, सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं एनर्जीज को। जैसा ये एनर्जीज आपके द्वारा एब्जॉर्ब भी की जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मानो हायर एनर्जीज में रहने वाले व्यक्ति हो आप, और दिन में कहीं लोगों से मिलते हो, और हो सकता है उनमें से आपकी तरह कुछ लोग होंगे जो हाई एनर्जी में रहते होंगे और कुछ लोअर एनर्जीज में। अगर आप लोगों की एनर्जीज को लेके अनअवेयर रहोगे, यानी वो उन एंगर में रहते हैं, लव की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, गिल्ट में है, शेम में है, एक्सेप्टेंस के मोड में रहते हैं, आपको एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं पता किसकी क्या है, तो हो सकता है, यानी कि चांसेस हैं कि बातचीत के दौरान, जैसे ही आप उनसे बात करोगे, आप उन सब से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी उनसे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। आप हायर एनर्जीज में रहोगे और सामने वाला व्यक्ति लोअर एनर्जीज में है, तो कुछ देर के बाद आपको लोअर फील होने लगेगा, आप एग्जॉस्ट फील करोगे, थके हुए से महसूस करोगे, ड्रेन फील करोगे, और वो पर्सन बहुत अच्छा फील करेगा, बहुत हैप्पी फील करेगा, उसको बहुत लाइट लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा बर्डन उसके अंदर से निकल चुका है। इसलिए एसेंशन में ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, लोग कैसे हैं आपके आसपास। इसके अलावा सिक्स्थ लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पे कि मैं बहुत वीडियोस पहले बना चुकी हूँ।
ये लॉ तो अच्छे से जान चुके होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप भीतर से जैसे भी होंगे, जैसी कंडीशनिंग हुई होगी, जैसे विचार होंगे, आपका चरित्र जैसा भी होगा, उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे या आपके आपको आपके जैसे ही लोग पसंद आएंगे, उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो जाके ज़रूर देखें। इसके बाद 7th लॉ है लॉ ऑफ एक्शन। जैसे कि डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए नियम होता है कि विजुअलाइज करो, पर वो विजुअलाइजेशन तभी रियलिटी बनता है ना जब उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम कोई एक्शन करें, कार्य करें, एक्शन मोड में आएंगे। बैठे बैठा है, बना बनाए कभी कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी होती है। क्या कोई बच्चा बिना पढ़े एग्ज़ाम में पास हो जाएगा? या अगर आपको खाना खाना है तो बिना पकाए थाली में खाना तो नहीं आ जाएगा। इसलिए मैंने इस अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यानी मैनिफेस्टेशंस वगैरह ये सब करने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो 11 लॉज है यूनिवर्स के, उनको भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं 8th लॉ की, लॉ ऑफ कंपेंसेशन। इस सिद्धांत के अनुसार आपको वही मिलता है जो आपने पास्ट में या भूतकाल में बोया है, जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार फल मिलता है। प्रेम दोगे तो ही प्रेम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो रिलेशनशिप में इतने धोखे क्यों मिलते हैं? बिट्रेयल के केसेस तो अब आम हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं लोगों की लाइफ में। कोई ना कोई किसी से धोखा खा ही रहा है या दे ही रहा है। तो वो बिट्रेयल्स इसलिए होते हैं कि सबसे पहले तो आपका उस व्यक्ति के साथ कर्मा रहा होगा, कोई पास्ट कर्मा। और आजकल के रिलेशनशिप्स में लोग प्यार में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके प्यार में सिर्फ स्वार्थ होता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, इसलिए बदले में उतना प्यार नहीं मिलता है जितना देते हैं। या लोग जिस फीलिंग को प्यार समझते हैं वो प्यार है भी या सिर्फ एक अटैचमेंट है, मोह है? क्योंकि मोह अक्सर लोग मोह को ही, अटैचमेंट को ही प्यार समझ बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें बदले में लव मिला क्यों नहीं, प्रेम मिला क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद अटैचमेंट में रहते हैं, डिपेंडेंसी में रहते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। इसके अनुसार यूनिवर्स हर पल हर एक सिंगल सोल का टेस्ट लेती है। आपके सामने यूनिवर्स से चैलेंजेस आते ही रहते हैं कि किस एनर्जी लेवल पे रह के आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, कैसे सिचुएशंस से डील करते हैं, आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं। इनर वर्क के साथ साथ सिर्फ आसानी से ग्रोथ नहीं हो जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस से होके निकलना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। यूनिवर्स डिजायर्स तो पूरी करता ही है, साथ में हमें इस काबिल भी बनाता है ताकि हम अंदर से स्ट्रांग हो पाए, इवॉल्व हों, एलिवेट हो पाए अपनी जर्नी में और अपना एक बेस्ट वर्जन बन पाए। जैसे कि एक फ़ोन को अपडेट करने के बाद उसमें नए नए फीचर्स आ जाते हैं ना, काफ़ी कुछ नया सा रहता है, ऐसे ही इनर वर्क करने के बाद हम अपग्रेड हो जाते हैं, हमारा चरित्र निखर जाता है और भी ज़्यादा, हम अपने एक हील्ड वर्जन में होते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ पोलरिटी। अब ये सिद्धांत होता है ड्युअलिटी का, हर चीज़ का ऑपोजिट होता है, अच्छा बुरा, अमीरी गरीबी, मैस्कुलिन फेमिनिन, लव हेट, सुंदर बदसूरत, यूनिवर्स में जो भी बना है उसका ऑपोजिट होता ही है। लोग इन्हीं पॉलर एनर्जीज के माया जाल में फंसे होते हैं, इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सिंगुलरिटी में आना बहुत ज़रूरी है, वननेस की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग किसी भी सिचुएशन में ना उनको अच्छा लगे ना बुरा, ना उनको अमीरी से कुछ फ़र्क पड़े ना गरीबी से फ़र्क पड़े, ना उनमें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो ना बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी हो, वो बैलेंस्ड रहें।
क्योंकि जो व्यक्ति बैलेंस्ड होते हैं वही मोक्ष की यात्रा में आगे निकल पाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ रिदम। इसके अनुसार हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम खुद ही प्रकृति हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही हम करते हैं और प्रकृति को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। पूरे दिन हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्राकृतिक होती है, उससे भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि नेचर वर्क करता है लॉ ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग। नेचर का काम है निरंतर बदलते रहना। इसलिए हम किसी पल हम खुश होते हैं तो किसी पल हम दुख महसूस करते हैं। इसलिए दुनिया में हर कोई व्यक्ति अमीर भी नहीं है और हर कोई व्यक्ति सबके सब गरीब भी नहीं है। कुछ अमीर है तो कुछ गरीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल कहीं गर्मी ही रहे या कोई ऐसी जगह जहाँ पूरे साल सर्दी ही रही हो या पूरे साल कहीं बारिश ही रही हो? ऐसा कहीं देखा है? बदलते रहते हैं सीजन्स भी, क्योंकि जब समर्स होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, भाग दौड़ लगी ही रहती है, और जब विंटर्स आते हैं, ठंड आ जाती है, तो हम एक्टिव नहीं रहते हैं, एक्टिव मोड में नहीं होते हैं, और तब हमारी बॉडी हमसे रेस्ट की डिमांड करती है कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दें। तो इसलिए हमें प्रकृति के नियम के अनुसार चलना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ जेंडर की। यूनिवर्स में जो भी है सब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से बना है। आपके भीतर भी ये दोनों तत्व मौजूद हैं। जो पूरा यूनिवर्स है इन दोनों में से किसी एक पर नहीं चल सकता कि कोई एक ही एनर्जी हो जिससे ये यूनिवर्स चल सके। दोनों एनर्जीज का होना जरूरी है। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी में व्यक्ति व्यक्ति में पेशेंस होता है, वो काइंड होता है, इंट्यूटिव होता है, क्रिएटिव होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, नर्चरिंग होता है। ये सारी क्वालिटीज एक व्यक्ति में होती है अगर उसमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है। क्योंकि जिसमें फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी, जिसमें ये गुण नहीं है, इसका मतलब उसकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव नहीं है, वो नहीं है उस एनर्जी में। और जो मैस्कुलिन एनर्जी में होता है वो फोकस्ड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, करेजियस होता है, एक्शन मोड में होता है, प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है। ये सब क्वालिटीज होती हैं एक मैस्कुलिन एनर्जी की। तो हर एक व्यक्ति में ये दोनों क्वालिटीज, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हर एक व्यक्ति इन 12 सिद्धांतों के अनुसार, इन 12 लॉस के अनुसार अपना जीवन जीता है, तब जाके कोई मैनिफेस्टेशन, उसकी कोई डिज़ायर रियलिटी में चेंज होती है, फुलफिल होती है। सिर्फ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन के या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स मेथड्स के अनुसार उसको उपयोग करके आपकी कोई भी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो सकती। और अगर आप इन लॉस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन्हें गूगल पे सर्च करके अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।